अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं दीपालपुर के इलाके में आया हूँ, जो यहाँ इसके पास एक सालों वाले का अड्डा है, तो मेरे रिश्तेदार हैं वहाँ पर। तो कुछ लोग कहते थे कि मुर्तज़ा साहब आप कभी कभी गांव वगैरह कभी विज़िट किया करें, तो कुछ लोगों की डिमांड होती है कि आप इनके जिस तरीके पौधे प्लांटों को जो चीज़ें डाली जाती हैं, दवाई है, स्प्रे है, इस तरीके की चीज़ बता दें। उसके साथ साथ जो है जानवर जो जिन लोगों ने तोते वगैरह रखे होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। ये मैं आपको चेक करवा सकता हूँ। ये सभी तरफ खुली फिजा है सारी, और हरियाली भी बेहतरीन है। तो यहाँ जो ये प्लाजा आता है, ये बहुत बड़ा प्लाजा है, तो इसके अंदर इन्होंने तोते भी रखे हुए हैं। बड़ी वैरायटियों के जो है ना तोते इनके पास हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है ना वो मैं एक अलग सा प्रोग्राम बनाऊंगा। तो आज जो है सिर्फ मैं ये मेडिसिन दवाइयाँ जो होती हैं पौधों को डाली जाती हैं या तोतों को, उनके बारे में जो आसिफ है, ये मेरा रिश्तेदार है, मेरे मामों का बेटा है, तो ये पौधों का भी थोड़ा सा शौक रखते हैं। ये इन्होंने पौधे भी रखे हुए हैं माशाल्लाह, ये देखें काफ़ी इनकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और ये वाला जो ये देख लें, ये भी बेहतरीन कैटस हैं। और थोड़ा सा ये इनकी केयर की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कि ये जब भी लगाते हैं इनको स्ट्रेट लगाते हैं, तो इन्होंने थोड़ी सी तवज्जो इनके ऊपर नहीं दी, इसीलिए ये इसका थोड़ा सा झुका हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो मैं आपको जो है ना आपको जो अभी मैं अंदर लेके जाता हूँ, तो मैं जो इनके पास दवाइयाँ वगैरह वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको चेक करवाता हूँ जी। तो आ जाए, देखिए इन्होंने दवाइयों के लिए बेहतरीन जगह बनाई है। इनके पास जो स्प्रे है, ये स्प्रे के बारे में भी बताएंगे। तो आपको जो है आगे आ जाए, थोड़ा सा मेरा कैमरे मैन जो है ना ये थोड़ा सा स्लो जाता है, थोड़ा सा आप आगे आ जाए। ये है जी आसिफ साहब, इनका नाम है, और बड़े हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, मामू के बेटे हैं। तो इन्होंने तकरीबन इस फील्ड में इन्होंने कुछ तोते रखे हुए हैं, जो काफ़ी वैरायटियों के तोते भी इनके पास मौजूद होते हैं, वो मैंने पहले बता चुका हूँ। उनके ऊपर प्रोग्राम ज़्यादा से मैं करूँगा। तो फिलहाल जो ये स्प्रे वगैरह अगर आप पौधों को करनी चाहते हैं, वेजिटेबल सब्जियों को करना चाहते हैं, अगर उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम है, अगर उनकी नीचे मिट्टी खराब है, तो वो अगर जो आपकी सब्जी लगाई हुई है या आपका कोई उनके ऊपर अटैक हो जाता है, उनकी ग्रोथ ठीक नहीं है या उनको फ्रूटिंग ठीक नहीं हो रही, उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है, इनके पास बड़ी ज़बरदस्त जो है ना यहाँ बड़े बड़े जो जिम्मेवार हैं मरबियों की तादाद में, जिनके पास ज़मीन है, वो लोग यहाँ से आके इनके पास जो है वो स्प्रे लेके जाते हैं। तो आसिफ साहब आप ये पैकेट हमें चेक करवाएँ, इसका फ़ायदा क्या है? ये जो हम लगाते हैं जब वो गोबर पे आती है, वो इसका जो ये काला वो काला हो जाता है। ये दवाई कुछ के लिए ये स्प्रे करते हैं, ये तो काला नहीं हो। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये एक स्प्रे है। अगर मुंजी लगाई हो या फर्ज करें आपका आम का जो पौधा है जी, फिर गिरने की वजह क्या मसला है? ये बालू का गिर जाता है, ये उनकी ग्रोथ के लिए है, के लिए तो ये। अच्छा जी, अच्छा ये इसका क्या नाम है? नटीवो। ये नटीवो इसका नाम है। अगर आपको स्प्रे वाली दुकान से मिले तो आप ये लेके आप अपने पौधों को भी डाल सकते हैं, पानी के साथ डाल दीजिए। अच्छा, फ्रूट में भी डालनी है या स्प्रे? अच्छा, इसकी आपने सिर्फ स्प्रे करनी है, आपने फ्रूट वाले पौधों को स्प्रे करें, इसकी फल वाले जो पौधे होते हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी उनकी केयर हो जाती है, वो बिल्कुल महफूज रहता है। आपका जितना भी फल होता है लगा होता है उनको, जो भी फर्ज करें दरख्त है, तो ये वाले जो स्प्रे बैफ लाल, इसका नाम जी बैफ बैफ लाल बायर कंपनी। अच्छा, ये बायर की कंपनी है, ग्रोथ वाली? हाँ जी, ये ग्रोथ वाली है। ज़रा हमारा कैमरे मैन आपको दिखाता है करीब करके, ये देखें ये ग्रोथ के लिए है जी। इसके अंदर जनाब ये एक रुई का है, और छली जो जिसको मक्की किसी भी चीज़ को काट सकते,
ये किसी भी चीज़ को आप स्प्रे कर सकते हैं। फर्ज करो आप इसकी अगर आपको किसी शहर के अंदर नहीं मिल रही, तो असल साहब मैं अगर आपको ये डिमांड करूँ या मेरा कोई बहन भाई मेरा व्यूवर अगर ये मंगवाना चाहे तो आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं बाद में इनका नंबर भी आपको बताऊँगा कि आसफ इनका नाम है। अगर इसलिए स्प्रे अगर आपको चाहिए होगी, आपने तरीका ये करना है कि आपना जायज कैश का नंबर बताएगा, उसके ऊपर आपने इसके पैसे इकट्ठे करने हैं। इस पर डिलीवरी पे जितने खर्चा आएगा वो भी आपने करना है, डिलीवरी का खर्चा, जो इसकी दवाई के पैसे हैं वो भी आपने भेजने हैं, क्योंकि आपको जो है डिलीवरी पार्सल बना के आपको भेज सकते हैं। एक तो ये फ्रूट वाले पौधे हो आप बेहतरीन से फसल को भी कर सकते हैं। अच्छा, ये फसल को भी हो जाता है, पूरी फसल हो या सब्जियाँ वगैरह भी पीछे सब्जी वगैरह भी हो जाता है। इसका करने के टाइमिंग क्या है, टाइमिंग इसकी क्या है कि हम धूप के टाइम कर सकते हैं या छाँव के टाइम कर सकते हैं? सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। दो दो टाइम आपने स्प्रे करना है, 4-5 बजे और सुबह, यानी कि धूप निकलने से पहले। सही, ठीक है, दो टाइम में ये कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और आपने दवाई रखी है खासतौर पे जो ग्रोथ अच्छी करने के लिए? वो मेरा ख्याल हरों वाली है, वो ये इसका नाम अरनाए है। अच्छा जी, ग्रोथ के। अच्छा जी, ये अरनाए इसका नाम है, काफ़ी लोग कैंजो ये करीब करेंगे, हमारा कैंजो मैं दिखाता है आपको, करीब कर लीजिए देखिए। कैंजो नाम जी? अच्छा जी, इसका नाम कैंजो है, एक कैंजो कंपनी जी, नाम इसका अरनाए है। अच्छा, अरनाए इसका नाम है जी। और आपको शहर में जिस तरीके से आपको लोग लोग लूटते हैं, दो नंबर चीज़ बना के, ये इनका काम नहीं है। यहाँ बहुत बहुत बड़े जो जिम्मेवार लोग हैं वो इनसे खरीद के लेके जाते हैं, उसकी वजह ये है कि आपके पास चीज़ क्वालिटी वाली एक कंपनी अच्छी की चीज़ अच्छी है, उसका फ़ायदा भी होता है। यहाँ हमारे जितने बहन भाई व्यूवर हैं, हमारे जानने वाले, वो अक्सर एक दो दुकानें हैं उनके पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने स्प्रे भी किया है उस पर असर नहीं होगा। जैसे कि सफ़ेद तेला होता है, काला तेला होता है, या बड़ी छोटी होती है, एक थोड़ा सा जो बिल्कुल बोलते हैं सोना है, उस तरीके की जब वो फलाव करते हैं तो ये महीने में कितनी ग्रोथ के लिए ये ग्रोथ करवाने के लिए, ये भी जो है ना ये ग्रोथ करवाने के लिए। और ये फायर कंपनी का बेल्ट, इसका नाम है बेल्ट। अच्छा, इसका नाम बेल्ट है जी, ये भी दिखा दें, फायर कंपनी, फायर कंपनी का है। और ये अच्छा आसफ साहब, इसका ये 2 एकड़ की है, सुंडी सुंडी वाली चीज। हमारे कहने का मकसद है कि अगर आप इसको खुली फसल में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किसी पौधे बनाने को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सुंडी पे कंट्रोल करेगा, जैसे कि फालसा है हमारे भाई हैं, हमारे फैन हैं बहुत, उनकी मैं किसी से कदर करता हूँ, जो इलाका में रहते हैं उनकी ज़्यादा डिमांड होती है कंट्रोल। तो मैंने इसीलिए मुझे यहाँ विजिट कराना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से चीज़ें जो है ना वो अच्छी मिलती हैं पौधों के, तो इसीलिए आपके पास आया हूँ। ये अच्छा, आप इसकी जो कीमत जनरल होती है या रेट ऊपर नीचे होते हैं? एक कीमत जनरल एक ही होती है, ठीक है जी। तो आप इसकी 2 एकड़ की है, तो कितने ज़मीन को किसी भी चीज़ को ये सुंदी के लिए काट सकते हैं, इसकी कीमत 1200। अच्छा जी, देखिए देखो कितनी छोटी है, इसका फायदा कितना और फायदा कितना, और ये देखेंगे 1200 रुपये की है, आप सोचेंगे कि लेकिन ये अच्छा जी कितनी दफ़ा कर सकते हैं महीने में 2-3 दफ़ा इसको पानी कितना डालते हैं, 2 किलो पानी में डाल के करें, छोटी टैंकी में करें कि शावर में करें? छोटी जो शावर में कर लें तो फायदा है, नहीं तो छोटी टैंकी में सिर्फ 1-2 सीके के साथ ये निकालनी है और टैंकी में डाल, शावर में डाल, ढक्कन वगैरह आपने भी भरना, क्योंकि ये काम होती है, आपने टीके के साथ निकाल के जी उसके अंदर यानी टीके से इस्तेमाल करना जी। जितना पानी अगर 2 टीके भर के डालते हैं तो 1 किलो पानी में या 2 किलो पानी में, ठीक है? अगर 2 टीके मैंने भर के निकाले हैं, भर के निकाल के फिर एक ही टीका होगा, क्योंकि ये एक गिलास ही है 50 ml, ये एक गिलास ही सिर्फ पानी है, ये है 50 ml, 50 ml, ये गिलास ही है 100 ml, ये दवाई टोटल इतनी है, इसकी कीमत 1200 रुपये है, 2 एकड़ को नदी को बिता।
की गोभी, नंदन गोभी और किसी भी पौधे में इसे काम हो और भी है भाई, ये 850 रुपये की है 2 एकड़ की। चलिए भाई जी। अच्छा जी, ये 2 एकड़, ये इसका क्या नाम है जी? इसका नाम क्या है? डैजी सुपर। इसका नाम है डैजी सुपर, ये 2 एकड़। अच्छा जी, डैजी सुपर ये 2 एकड़ की है। अच्छा जी, जी बहुत खतरनाक है। जबरदस्त जी, फूंगी के पटाखे पटाखे चल जाते हैं जैसे घबराहट आ गई जी, ऐसे ही है जी। अच्छा अच्छा जी, बात सुने तो जो ये पैकेट आपका ऊपर जो पड़ा है ये वो आलू का, ये भी फूंगी के लिए, इसका रेट क्या है? 15 साल से ये तजर्बा है, ये तोतियों के नाम भी बेहतरीन जानते हैं और उनकी केयर के बारे में भी बेहतरीन जानते हैं और उनके ऊपर भी प्रोग्राम मैं करूँगा आप लोगों के लिए, आप उसका भी इंतज़ार कीजिए। ठीक है, आज का हमारा इतने प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक